हमारे इजलास की शुरुआत तिलावत कलाम पाक से होती है। मोहम्मद आसिम अब्बास जो मकतब हमीदिया के तालिब इल्म हैं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि स्टेज पे आएं। मकतब हमीदिया जिसे जिसके आसिम अब्बास साहब आप तशरीफ़ ले आएं और तिलावत कलाम पाक से इस जलसे का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. तिलावत कलाम पाक जो मकतब हमीदिया के तालिब इल्म मोहम्मद आसिम अब्बास पेश कर रहे थे। हमने आपको बताया कि मकतब हमीदिया जिसके निगरान 50 साल तक जनाब मोहम्मद हामिद अली साहब रहे हैं, उसी मकतब हमीदिया का ये तालिब इल्म है। और अब हम मोहतरम जनाब फर्रुख जमाल साहब से एक बार फिर गुजारिश करेंगे वो तशरीफ़ ले आएँ। और इसके पहले हम साजिद अली मेमोरियल कमेटी के सदर काजी तबत्तुल हुसैन साहब से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ
जनाब काजी तवसुल हुसैन साहब, शायद वो इस वक्त आए और एक बुके देकर हमारे आज की मजलिस की सदारत कर रहे जनाब हकीम सैयद अहमद साहब का इस्तकबाल करें। साजिद अली मेमोरियल कमेटी के सदर जनाब काजी तवसुल हुसैन साहब, एक मोमेंटो यादगारी हमारा और बुके देकर जनाब काजी तवसुल हुसैन साहब आज के जलसे के सदर जनाब सैयद हकीम अहमद साहब का इस्तकबाल करेंगे।